बोलते पार्टी दो पार्टी दो, 80 रुपए से शुरू हुई, 80, 100, 160, 100 तो पंपर थाली। भाई साहब ये प्रॉपर थाली का जो सीन रहता है। हेलो गुडीज, क्या हाल चाल? जी हाँ भाई साहब, आज आप लोग को मैं लेके आऊंगी एक ऐसे रेस्टोरेंट पे, इसे आप रेस्टोरेंट ही बोल सकते हैं, या फिर अगर सफर अफर पे जा रहे हो तो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल चीज है। जी हाँ भाई, नाम ही इलायची रेस्टोरेंट, तो भाई नाम में इलायची प्रॉपर बोले तो खाना पीना। हाँ भाई, कुछ दिन पहले मैंने एक रेस्टोरेंट एक इंस्टा पे पूल डाला था जिसपे ढाबा फूड प्लस रेस्टोरेंट था, तो सबसे ज्यादा वोट आए थे ढाबा फूड को। बट आज जिस जगह पे मैं हूँ भाई, ये दोनों काम कर रहा है, रेस्टोरेंट भी है प्लस ढाबा फूड भी है। और आप कहीं ट्रेवल एवल पे जा रहे हो मेनली ट्रेन से, तो भाई ये IRCTC से कनेक्टेड भी है। पीछे भाई रेलवे स्टेशन है 200 मीटर पे, तो कभी इस साइड से अगर आना जाना हो रहा है या जाना है बाहर आ, तो IRCTC भाई इलायची से डायरेक्ट खाना बुक करो। साथ में मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम है भाई, प्योर वेज, सावन चल रहा है तो अंदर चलते हैं, प्रॉपर यहाँ का जो वेज खाना है तड़के वाला मसालेदार जन्नाटेदार वो खाएंगे, साथ में आपको टेस्ट बताएंगे, स्पेशली रेट बताएंगे, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो अंदर चलते दिखाते हैं। तो भाई लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है भाई सामने इलाहाबाद जंक्शन बोल लो या प्रयाग जंक्शन, थोड़ा सा आगे जब आप पढ़ोगे DRM ऑफिस वाली रोड, तो वहीं से थोड़े से भाई 200-300 मीटर पे पड़ जाएगा आपका इलायची रेस्टोरेंट। हाँ तो यहाँ पे आ जाए, प्रॉपर यहाँ खजाने ट्राई करेंगे, साथ में जो इनकी स्पेशल थाली है उसको ट्राई करेंगे, साथ में जो आला काट का सीन होता है मेन्यू में उसको भी ट्राई करके बताते हैं आपको क्या खाना है, क्या कैसा टेस्ट। भाई साहब अंदर चलते हैं, और अंदर का भाई साहब मैं बताया ना प्रॉपर डाइनिंग आउट है, डाइनिंग वाला सीन है, तो यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो साथ में पैक भी करा सकते हो, प्रॉपर देख लो डाइनिंग सीन है प्रॉपर, यहाँ पे 8-10 लोग आराम से आके खा पी सकते हैं, साथ में यहाँ पैकिंग का सीन है। तो भाई यहाँ पे तो हम लोग ने अपनी सीट बुक कर ली है, साथ में देख रहे हो सिनेमैटिक भी काफी अच्छी चीजें है, तो ऑर्डर करते हैं खाने को, देन आपको खाने में मिलते हैं। भाई बंदे में बंदा चढ़ते हुए जरूर देखा हो, बट मेरे पास लगी प्रॉपर थालियों की स्पर्ट। जी हाँ भाई, कोई सेल और कोई ऐसा सीन नहीं चल रहा, प्रॉपर जिस जगह पे मैं था भाई बताया था पहले ही आपको, मेकिंग भी आप लोगों ने देख ली होगी, प्रॉपर थालियों का सीन लगा है। और भाई जो फ्रेंड्स बोलते हैं भाई कि पैसे नहीं है पैसे नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज डील लेके आया हूँ भाई, शुरुआत करेंगे इस थाली से। आ जाओ भाई देख लो, ये थाली भाई 80 रुपीज की रहती है भाई, जिसमें देखो घर का एकदम सादा खाना, दाल फ्राई साथ में सूखी सब्जी, साथ में ये राइस और रोटी रहती है। फिर उसके थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, जो दोस्त कभी कोई पार्टी देना चाहते हैं तो ये रहती है अप्रोक्स 100 रुपीज की थाली। हाँ भाई सही सुना, 100 रुपीज में प्रॉपर खाना मिला, नूडल्स चाउमीन नहीं मिल रही, प्रॉपर देख पूरी पूरी मील है, इसके साथ भाई पनीर की ग्रेवी रहती है, ऊपर से गार्निश भी रहता है। अच्छी बात ये भाई मेकिंग में आप लोगों ने देखा था, ऊपर से बटर तो जाते ही जाता है, साथ में शुद्धगी भी जाती है, ऊपर से देखो दाल, ओए देखो कितनी गाढ़ी दाल है, साथ में रोगन का भी खेल रहता है। और अच्छी चीज मुझे क्या लगी स्पेशली यहाँ की, वो अच्छी बात यहाँ पे ये लगी जो इनका रायता भी है ना भाई की उस टाइप का नहीं है कि मतलब ऑर्डिनरी टाइप से, थिकनेस प्रॉपर है, साथ में देखो बूंदी भी रहती है। हाँ भाई ये सारी चीजें तो मैंने ऑर्डर करी थी साथ में। भाई कुछ लोग जो होते हैं मेरे दोस्त भाई की थाली खाना नहीं पसंद करते, उनके लिए भाई देखो ये है इंडो चाइनीज फूड, क्योंकि हमने ऑर्डर किया फ्राइड राइस साथ में ये ग्रेवी वाला मंचूरियन, ये ड्राई मंचूरियन का मेन्यू तो काफी ब्रॉड था, बट मैंने उसमें से काट छाट के कुछ चीजें अपने उन दोस्तों के लिए निकाला जो कि भाई पॉकेट पिंच में काफी चीजें मजे के साथ खाना चाहते हैं। हाँ ये देखो समझ रहे हो, और साथ में भाई ये कोई फ्राइड राइस नहीं, यहाँ की स्पेशल बिरयानी है। पहले मैं भी चौंका कि भाई बिरयानी बनेगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इनकी जो इंस्टेंट बिरयानी थी इन्होंने दम बिरयानी नाम दिया, बट जो इनके हल्के मसाले में जो गेम खेला है असली चीज तो इनका जो टेस्ट है वो बताएगा, साथ में इनके पनीर के पीसेस रहते हैं, तो हम लोग भाई बिना किसी देरी के आप बताओ आप इन थालियों में से कौन सी थाली खाना पसंद करोगे। 80 रुपीज, 100 रुपीज, 160 रुपीज की रहती ना, तो ये 160 वाले में स्पेशल क्या है भाई, इनका 160 में स्पेशल हो जाती है दो सब्जियां जो कि पनीर की, एक पनीर बटर मसाला साथ में दूसरी कढ़ाई पनीर, और साथ में भाई गुलाब जामुन कुछ मीठा हो जाए वो सीन है, साथ में इनका जो राइस रहता है वो थोड़ा सा कलर चेंज होता है जो कि जीरे राइस पे आता है। तो हम तो भाई ट्राई करने वाले 100 रुपीज वाली थाली, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो कहते रहते भाई डेली कभी ना कभी पार्टी के लिए, तो भाई मेरी चीज़ तो बस बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी, साथ में यहाँ पे अचार मिलता है, तो हम लोग बिना किसी देरी के इस थाली को ट्राई करेंगे। और अच्छी बात बता दूं भाई, कई रेस्टोरेंट पे तंदूरी रोटी मिलती है और यहाँ पे मिलती है भाई हमें तवा रोटी। हाँ भाई अब ये भी चीज़ बताऊंगा प्रोसेस कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो इस थाली को अगर स्पेशली ट्रेवल में जा रहे हो, तो देखो सूखी सब्जी ये उठाया, और भाई शूट के टाइम थोड़ा सा खाना जो होता है मैसी हो जाता है ठंडा हो जाता है, तो ये जो सूखी सब्जी रहती है ये डेली चेंज भी होती रहती है ना भैया।
और सही बात ये जो सब्जी है प्रॉपर घर वाला टेस्ट है, कोई इसमें एक्स्ट्रा एडिटिव्स नहीं डाले इन्होंने। पिकल जी को होता है सूखी सब्जी के नाम पे भी दुनिया भर के मसाले झोंक दो, ये वैसी नहीं, एकदम घर वाली सब्जी है। साथ में जो इनकी ये सब्जी रहती है पनीर बटर मसाला, इसकी रंगत चेक कर रहे हो, देखो ग्रेवी देखो भाई। तो ये थाली तो मुझे काफी अच्छी, साथ में हमने अलग से भी दाल फ्राई ट्राई की है। हमारी कोशिश थी दाल मखनी दिखाने की, बट आज का प्रोसेस जो था इनके पास अवेलेबल नहीं थी, बट इनकी दाल फ्राई जो होती है वो लाइव बनती है, लाइव जाती है, साथ में बटर तो जाता ही जाता है बट इसमें शुद्धगी भी जाता है। तो भाई इसको मैं थोड़ा सा रोकूंगा, पहले मैंने गलती कर दी स्टार्टर्स नहीं दिखाया, क्योंकि काफी दोस्त बोलते हैं भाई स्टार्टर्स क्यों नहीं दिखाता भाई, तो ये चीज उन दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखो ये हम लोग ले लिए भाई फ्राइड राइस को, तो थोड़ा सा निकालूंगा और साथ में भाई ये देखो ड्राई मंचूरियन है और बॉल्स मुझे काफी अच्छी लगी, इस पे 6 से 7 बॉल थी, 1 2 3 4 5 6 2 8 थी, 8 बॉल रहती है। हाफ फुल का तो कोई सीन होता नहीं भाई, इस पे एक ही क्वांटिटी रहती, हाँ तो भाई एक क्वांटिटी रहती, बाकी रेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी फ्लैश भी हो रहा हो क्योंकि इसका अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है इवन ट्रेवल के टाइम पे भी, अगर आप लाइट ट्रेवल पे जा रहे हो तो ये भी चीज काफी बेस्ट है। इवन जो राइस है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है, साथ में जो फ्राइड राइस की क्वालिटी है वो अपने में खेल कर रही है, मतलब गार्लिक का फ्लेवर काफी अच्छा है साथ में। हाँ आपको लगेगा ओरिजिनली कि प्रॉपर चाइनीज खाया है, हालांकि मंचूरियन थोड़ा सा मुझे नमक थोड़ा ज्यादा लगा, पर ऐसा क्यों। और अच्छी बात ये है कि इनके जो मंचूरियन आप रखने के बाद भी ब्रेक हो जा रहे हैं, और कोई इसमें बंद गोभी एकदम भर के नहीं डाला है, कि कई जगह होता है एकदम स्मेल आ जाती है, वैसा सीन नहीं है, बाकी फीलिंग काफी अच्छी है और टेस्ट काफी अच्छा है, मुझे तो स्पेशली काफी अच्छा लगा। साथ में अब इसको थोड़ा साइड कर लूँ तो आपको अगर मैसेज आप पूरी प्लेट हो जाती है तो भाई क्या करें, आप लोग को दिखाना काफी चीजें पड़ता है। तो भाई सब प्रॉपर मील लगवानी है, थाली पे जाती है इनकी तवा रोटी, बाकी ऐसे तंदूरी रोटी काफी चीज है, लच्छा पराठा रहा, बट यहाँ पे अच्छी चीज जो लगी ट्रेवल के टाइम पे मुझे तंदूरी रोटी से अच्छी तवा रोटी लगती है, तो लाइट फूड होता है। साथ में भाई एक अच्छी सी बाइट बना लेते हैं, क्योंकि जो इनकी ग्रेवी है ना जब बन रही थी प्रिपरेशन, तो भाई मेरे को काफी मुंह में पानी आया, और देख रहे हो अब आप लोगों को भाई ग्रेवी में पनीर क्यों नहीं डाला, ये सबका एक अलग सिग्नेचर स्टाइल होती है, इन्होंने पहले ग्रेवी डाली और लाइव पनीर डालते भाई, ये वाला सीन नहीं है एकदम फ्रोजन अलग करके रखे रहे। इनकी ग्रेवी जो है वो काफी अलग खेल रही, साथ में जो हल्का खट्टास है और जो फ्लेवर सारे जो ग्रेवी में रिचनेस लाती है वो ये चीज है भाई, चाहे आप थाली में भी खाओगे वही फ्लेवर मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो कढ़ाई पनीर है, कढ़ाई पनीर खाओ और शिमला मिर्च ना मिले तो भाई मिसिंग है, तो इसमें शिमला मिर्च भी है, साथ में इनका जो पनीर का पीस है वो काफी सॉफ्ट है, ये देखो एक अच्छी सी बाइट बनाया, साथ में ऊपर से लिया प्याज, अब ये हो गई पूरी मील तैयार। दोनों ग्रेवी अपने में कुछ कह रही है और हल्का भी ऊपर से शुद्धगी का फ्लेवर है वो चार चांद लगा दे रहा है हर खाने पे, ऐसा नहीं कि हम शूट करने आए हैं तो हमें स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है, ये प्रॉपर थाली में भी ऐसी गार्निश होकर जाती है चीजें, क्योंकि ये काफी अच्छी चीज है। और स्पेशली दाल जो होती है कई आप मैंने ढाबे और कई जगह दिखाया, बट जो थिकनेस है वो देख रहे हो कई जगह शूट करते करते भी रह गई प्रॉपर भाई, दाल वाला फ्लेवर साथ में जो इनका छौका था या बघार बोल लो अलग से भी प्रिपेयर करके रखे थे मसालों के साथ वो था। तब तक मैं इस पूरी मील को कंप्लीट करता हूँ, मिलता हूँ फाइनल रिव्यू पे। तो एक खाना पीना तो मेरा भी हो गया और खाना जो था काफी स्वादिष्ट था, एक तरीके से बोल दो हेल्दी फूड भी बोल सकते हो ट्रेवल के टाइम पे जा रहे हो, तो ये खाने की मील काफी अच्छी लगी मुझे, स्पेशली इनकी थाली और साथ में चाहिए इनका आला काट सीन जो है उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हो ट्रेवल के टाइम पे निकल रहे हो, या फिर सीधे नंबर दिए हो तो आप इस पर डायरेक्ट अगर ट्रेवल लेवल पे जा रहे हो तो कॉल करो डायरेक्ट खाना बुक करो, और भाई थाली के रेट्स भी काफी अच्छे हैं, ये मेरे उन दोस्तों के लिए जो काफी बार बोलते हैं पार्टी दो पार्टी दो, 80 रुपए से शुरू हुई 80, 100, 160 में बोले तो बम्पर थाली, 80 रुपए में घर वाली थाली, आला कार्ट में काफी ऑप्शन है चाइनीज है भर भर के है। तो भाई मैंने तो आपको फाइनल रिव्यू दे दिया था, तो यहाँ से अलविदा लेते हैं, बट अलविदा क्या ऐसे लेंगे भाई, आइसक्रीम के भी कार्ट लगे तो आइसक्रीम भी इंजॉय कर सकते हो, बाकी IRCTC के रेल ऑन ट्रैक करके एक ऐप
उसकी साइड पे ही अंदर पे ही है। तो बाकी आप वहां जाओगे तो देखोगे इलायची रेस्टोरेंट है, इलायची रेस्टोरेंट पे आओ, लोकेशन में डाली दिया हो, टैग करो अपने 3 दोस्तों को जो कि चाइनीज, नॉर्थ इंडियन या फिर थाली खाना चाहते हो। मिलते किसी और वीडियो पे, और किसी को प्रमोशन वगैरह कराना हो तो वह इंस्टा पे DM कर दो या फिर कॉल कर लो, व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट फूड पे, थैंक यू।